अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको स्वागत है सिम फूड लैब यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम बनाने वाले हैं मटकी की उसल। उसके लिए यहाँ पर हमने लिए है मटकी, जीरा, हींग, घसा हुआ खोपरा, चॉप प्याज, चॉप टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची। यहाँ पर हमने कुछ लिए है पाउडर मसाले, जिसमें आता है रेड चिली पाउडर, चिकन मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में डाले हैं 2 बड़ा चम्मच तेल, उसमें हम डालेंगे जीरा और हींग। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च और इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसमें जिंजर वाली का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। मसाला जले नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी हम इसमें घसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम मसाले को ढककर पकाएंगे। 2 मिनट ढक के पकाने के बाद मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें मटकी ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 कप के जितना पानी ऐड करेंगे। और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अभी हम इसे धीमी आंच पे गलने तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मटकी नरम हो गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। अभी हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमारी महाराष्ट्रन डिश मटकी की उसल रेडी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर। हम इसमें थोड़ा सा नमकीन ऐड करेंगे। आप इसमें कौन सा भी चूड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।